इंट्रोडक्शन वट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यूज टू इंजरी डू टू एन एजेंट ठीक है किसी भी इंजरी के रिस्पॉन्स में जो आपके पास रिस्पॉन्सिव इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होगा कोई भी रिस्पॉन्स uh, मिलेगा इंजरी का तो हम उसे कहते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन है ठीक है बॉडी का डिफेंस रिएक्शन होता है कि बॉडी अपने आप को बचाती है कभी भी इंजरी होगी तो बॉडी अपने आप को बचाना चाहती होगी जब भी बॉडी अपने आप को बचाना चाहती होगी तो वो एक रिएक्शन शो करेगी जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ठीक है इटियोलॉजी क्या है इटियोलॉजी का मतलब होता है पैथोलॉजी में इटियालॉजी का मतलब होता है कि कॉज क्या है ठीक है अब मैं आपको तो कॉजेज बताऊंगी इसकी दो तरह की कॉजेज हो सकती हैं एक है एक्जोजीनस कॉज एंड अनदर वन इज द इंडोजीनस कॉज जो एग्जोजीनस कॉज है मींस के फिजिकल एजेंट्स की वजह से मींस बैरूनी वजह से जो हो कॉज होगा उसे हम एग्जोजीनस कॉज कहते हैं और अगर अंदरूनी जिसम के अंदर अगर कोई चेंजेस uh, आती हैं या कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम उसे कहेंगे कि ये इंडोजीनस कॉज है ठीक है जो एक्जोजिनस कॉज है उसमें सबसे नंबर वन है फिजिकल एजेंट Like फिजिकल तो एजेंट या तो बर्न तो केमिकल मतलब एजेंट की वजह से लाइक like टॉक्सिसिटी की वजह से गैसेज एसिड बेस अगर आपके ऊपर गिर जाए तो आपको क्या होगी सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो होगा इन्फ्लेमेशन ठीक है इंजरी का जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन एंड द बायोलॉजिकल एजेंट्स होंगी लाइक बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स ठीक है जो इंडोजिन कॉज होगी लाइक सर्कुलेशन सर्कुलेशन होगी आपके पास सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स होंगे ठीक है सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स में आ जाता है थ्रोम्बोसिस आ जाएगा इन्फेक्शन आ जाएगा और हेमरेज आ जाएगा इंजाइम एक्टिवेशन होगी लाइक एक्यूट पेक्रियाटाइटिस जब आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी पेनक्रियाज में तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा वो तो ये इंजाइम एक्टिवेशन की वजह से होगी एंड अनदर वन इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक यूरिक एसिड यूरिया की वजह से हो जाए देन इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से क्यों डिफरेंट है ठीक है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में क्या फर्क है जो आपके बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है ठीक है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है वो आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है जबकि इन्फेक्शन क्या होता है इन्फेक्शन वो होता है जब आपके बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाते हैं ठीक है थीके? तो क्या होता है रिजल्ट इन इल इफेक्ट्स पर टॉक्सिन्स तो आपके बॉडी के अंदर जब भी हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा दोनों में फीवर होता है दोनों में फीवर होगा ठीक है इन्फ्लेमेशन में भी फीवर होगा और इन्फेक्शन में भी लेकिन इन्फ्लेमेशन का मतलब होगा कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का और टू ऑफ विटिर एजेंट्स ठीक है वैरायटी ऑफ लाइक एक्सोजेनस कॉज इंडोजीनियस कॉज की वजह से जो होगा वो प्रोटेक्टिव हो रिस्पॉन्स होगा वो इन्फ्लेमेशन होगी जबकि इंफेक्शन only कॉज्ड by, by microbes जिस just माइक्रोब just से cause होगा वो infection होगा और जो बहुत सारी causes होंगी जिसकी वो आपके पास inflammation होगा ठीक है infection ये नहीं कि आपको आपको फॉर example अगर आपको फ्रीज कर दिया जाए आपकी फिंगर फ्रीज कर दी जाए तो आपको उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसे नहीं हो सकता या बर्न हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसे नहीं होता उसमें आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है इन्फेक्शन ओनली कॉज बाय माइक्रोव

बिल्कुल लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में आ जाता है एक्यूट एक्यूट एंड क्रोनिक में क्या होगा कि आपको नाम से पता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन होगी रैपिड ऑनसेट होगा और जो है फ्लू एक्यूमोलेन होगा न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो ये एक्यूट इन्फ्लेन होती है लेकिन जब एक्यूट इन्फ्लेन ठीक ना हो रही हो तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में चली जाती है और उसको हम कहते हैं कि ये क्रोनिक हो गई है ठीक है एक्यूट का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो क्रोनिक में तब्दील हो जाती है िस आएगी थ्री मेन प्रोसेस रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स चार तरह के साइस ऐसी इंक्रीज ब्लड फ्लो

By the release mediators of acute inflammation. सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि वेस्कुलर इवेंट क्या होता है, वेस्कुलर तब होता है जब अल्टरेशन होती है माइक्रो वेस्कुलेचर में ये दो फेजेस होती है इसमें एक है

वेस्कुलर आ जाएगी। आगे आगे वेस्कुलर में तीन होती जो नॉर्मल आपके पास वेस्ल्स है उसमें क्या होगा की जो हाइड्रोस्टेटिकेशर है वो ज्यादा होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होता है ठीक है लेकिन जब आपके पास इंजरी होगी और इन्फ्लेमेशन शुरू होगी तो सबसे पहले आपके पास ट्रांसुएट होगी ट्रांसुएट का मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो किस वजुहत से ज़्यादा होता है वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और कंजेस्टिव हर्ट फेलियर की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है फ्लूड जो होगा वो लीक होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर से ठीक है मेम्ब्रेन के अंदर से जो आपके पास फ्लूड है वो लीकेज होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद एग्जुएट में क्या होता है जो एग्जुएट होता है उसमें फ्लूड

जब कंस्ट्रक्शन होगी इंडोथिलियस सेल की तो क्या होगा इंडोथिलियस सेल के जो गैप होगा टेम्प्रेरी गैप्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे देखिए अब गैप बनना शुरू हो गए उसमें से थोड़ी थोड़ी करके लीकेज होना शुरू हो जाएगी जब कंट्रेक्शन होगी जब ये सुकड़ेगा तो थोड़ी थोड़ी लीकेज होना शुरू हो जाएगी और ये कौन मीडिएट करता है ये कौन करवाता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर केमिकल मीडिएटर्स और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो पंद्रह से तीस मिनट होती है इमीडिएटली आफ्टर इंजरी फॉरन जैसी इंजरी होगी तो सबसे पहला फिनोमिना होगा कि कंट्रेक्शन होगी इंडोथीलिया सेल इंडोथिलियर सेल की जब कंट्रेक्शन होगी तो जो है वो गैप बनाना शुरू कर देगी इंडोथिलियर सेल में और थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा

कैसे आएगी सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल्स कम्प्रोमाइज बाई लिकोसाइट्स एंड आर एंड पेरीफ्रल सेल फ्री लेयर ऑफ प्लाज्मा क्लोज टू वेसल वॉल सारे के सारे जितने भी आपके पास लिकोसाइट्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे वेसल वॉल की तरफ

रोलिंग कैसे होगी पेरिथली मार्जिनेटिन एंड पेवमेंटेड न्यूट्रोफिल्स स्लोली रोल ओवर द एंडोथेलियल सेल जितने भी न्यूट्रोफिल्स होंगे वो सारे के सारे ये जो वेसल वॉल है इसकी तरफ रोल होते हुए आ जाएंगे सारे के सारे रोल होकर वेसल वॉल की तरफ आ जाएंगे और एडिजन कब होगी जब ट्रांजियन बॉन्ड बिटवीन द लिक्व एंड इंडोथीलियस सेल्स बिकम फर्मर फर्म हो जाएगी इनकी और एडिजन शुरू हो जाएगी ये चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ और ये कौन करवाता है सेलेक्टिन इंटेग्रिन इम्यूनोग्लोबुलिन जीन और सुपर फैमिली एडिजन मॉलिक्यूल करवाते हैं देन है एमिग्रेशन एमिग्रेशन क्या होगी इमिग्रेशन नाम से पता चल रहा है कि जब वो स्टिक कर की लेयर के साथ तो फिर क्या करेंगे या आते आहे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे अः सुडो बना के या खुद खुद ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे आ, और फिर ये क्या करेंगे ये बाहर आ जाएंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमिग्रेशन इमिग्रेशन में डायापेडिस भी होती है डायापेडिस क्या होती है स्केप ऑफ रेड सेल थ्रू गैप बिटवीन द इंडोथलियस जब रेड ब्लड सेल्स की बाहर निकलेंगे स्केप होंगे बाहर निकलेंगे तो इंडोथिलियस सेल्स से तो उसको हम कहते हैं डायापेडिस ये पैसिव फिनना है इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है और हेमरेजिक अपियरेंस देता है इन्फ्लीमेट्री एक्ट देन है कीमोटेक्सिस कीमोटेक्सिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस वजह से होता है इंजरी टू यू केमिकल ग्रेडिएंट की वजह से होगा आफ्टर एक्स्ट्रा वेजेटिंग फ्राम द ब्लड लिकोसाइड्स माइग्रेट टूअर्ड साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी अलॉन्ग अ केमिकल ग्रेडियंट बाई प्रोसेस कॉल कीमोटेक्सिस दे हैव टू क्रॉस सेवरल बैरियर इन टू थीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन पैरी वेस्कुलर माओफिब्लास्ट एंड मैथिक्स पोटन कीमोटेक्टिक सब्सटांसिस और कीमोकाइंस ऑफ फॉर न्यूट्रोफिल्स देन

और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स होते हैं और फिक्स टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स होते हैं ठीक है दिस फेगोसाइटिक सेल्स रिलीज प्रोटोलिट ये जो जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो मैंने आपको दो फेगोसाइटिक सेल्स बताए ये अपने अंदर से एक एंजाइम रिलीज कराते हैं जिस जिनका नाम है प्रोटोलिटिक एंजाइम उसमें कौन कौन से आ जाते हैं लाइजोजाइम प्रोटीएस कोलाजिनेस ये ये सारे के सारे के क्या करते 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 हैं 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 आपके पास तीन पहला अपने दुश्मन को और उसके साथ जाके attach हो जाते जैसे ही वो अटैच होते हैं फिर उसके बाद उसे इनगल्फ कर लेते हैं ठीक है सूडोपोर्स के आ, साथ अपने जो दुश्मन होता है उससे वो खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं किलिंग किल करते हैं और डिग्रेड कर देते हैं यहाँ पे आपके पास डिटेल में है कि रिकॉग्निशन और अटैचमेंट क्या होती है पेगोसाइटिक्स फाइगोसाइटोसिस इज इनिशिएटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस की सरफेस रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन कहते हैं इसको ये क्या करते हैं

कर लेंगे। उसकी किलिंग करेंगे किलिंग कैसे करेंगे मैंने आपको पीछे बताए किल कर देंगे और फिर डिग्रेड कर देंगे ठीक है डिस्पोजल ऑफ माइक्रो बाहर कैसे निकलेगा मतलब डिस्पोजल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं पहला है इंट्रा सेलुलर

अब इंट्र, हम इंट्रासेर पढ़ेंगे ठीक है इंट्रासेर में क्या होता है किल, लेस पे। ये के अपने और किल कर देते हैं रेडिकल्स प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स बनाएंगे एक्टिवटेड फैगोसिटिक लिकोसाइड एसेंशियल प्रेजेंस ऑफ एनएडीपीएच ऑक्सीडेज फिर एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की इनको जरूरत होगी प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फैगोसोम रिड्यूस ऑक्सीजन टू सुपरऑक्साइड आयन लेकिन जब आपके पास सेल मेम्ब्रेन में, में फेगोसोम्स मौजूद होंगे तो ये क्या करेंगे ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे सुपरऑक्साइड आयन में ठीक है देख सकते हैं आपके ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सुपरऑक्साइड आयन में और एनएडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपीएच में एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म है अब इसके साथ <coughs>

एमपीओ जो है एक्ट करता है की प्रेजेंस में और हैपोहेलिस बना देता है ये एमपीओ डिपेंडेंट किलिंग है और जो आपके पास एमपीओ नॉन डिपेंडेंट किलिंग है या इंडिपेंडेंट किलिंग है उसमें आ जाता है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर एमपीओ एंजाइम की कमी होती है ठीक है फिर क्या करते हैं वो बैक्टीरिया बैक्टीरियाल एक्टिविटी शो करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग ओ एच आईन तो वो ओ एच आईन बनाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एम पी ओ नहीं होता और फिर वो क्या बना देते हैं सुपर ऑक्साइड सिंगलेट ऑक्सीजन बना देते हैं फिर एस टू ओ टू की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एस टू ओ टू इन द प्रेजेंस ऑफ ओ टू हेबर रिस रिएक्शन करते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन फेंटोन रिएक्शन करते हैं इनके पास जब एम पी ओ होता ही नहीं है तो ये कौन कौन सा रिएक्शन करते हैं हेबर फेविस रिएक्शन और फेंटोन रिएक्शन शो करते हैं इंट्रोसेलर में आ जाता है ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय लाइसोजाइम ग्रेन्यूल्स अब ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस में क्या होगा परफॉर्म ग्रेन्यूल स्टोर्ड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस ये क्या करेंगे ग्रेन्यूल स्टोर्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के सीक्रेटेड इनटू द फेगोसोम एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ठीक है

देन है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन कौन से केमिकल मीडिएटर्स निकलते हैं केमिकल मीडिएटर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेस्कुलर और सेलुलर इवेंट के लिए नॉलेज ऑफ दिस मीडिएटर्स बेसिस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम जो एंटी ड्रग्स होते हैं हम इन्हीं केमिकल मीडिएटर्स की वजह से ही बनाते हैं अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन से केमिकल मीडिएटर हैं तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं बना सकते ये दो तरह की होती हैं एक सेल डिराइव होती हैं एक प्लाज्मा डिराइव्ड होती है जो सेल डिराइवड होती हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं लोकली बाय सेल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लेन जो जितने भी सेल्स होते हैं इन्फ्लेमेशन जहाँ हुई है हाथ पे पाओ पे जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी वहीं से वो निकलना शुरू हो जाएंगे वो सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स होते हैं और जो प्लाज्मा डिराइव्ड होते हैं वो कहाँ से आते हैं लीवर से सब मीडिएटर्स जो वो डिराइव्ड होते हैं नेक्रोटिक टिश्यू से जो टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाती है इंजरी की वजह से तो वहां से भी कुछ मीडिएटर्स हैं केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन ठीक है

ग्रेन्यूल्स के अंदर ये सुकड़ के पड़े हुए होते हैं ठीक है रैपिडली सिक्रीट होते हैं अपॉन सेलुलर एक्टिवेशन जैसे ही सेलुलर इंजरी होती है तो ये सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल है हिस्टामिन की और मा इन मास सेल में सेंथिसाइज फ्रॉम बिगिनिंग इन रिस्पांस टू स्टिमुलस और जैसे और कुछ है होते हैं जिनको जो, जो फोरन से स्टिमुलस मिलता है और वो अपना रिस्पॉन्स शो कर देते हैं

मैनील पर्टिकुलरली मास सेफिल एंड प्लेटलेट्स इसके अंदर बैसोफिल और प्लेटलेट्स आ जाती हैं और इसके वराइटी ऑफ स्टिमुला है लाइक फिजिकल इंजरी अगर आपको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए या आपके पास इम्यून रिएक्शन हो आई जी एंटीबॉडीज़ का फॉर एग्जाम्पल एलर्जी में एलर्जी में आपके पास हेस्टमिन रिलीज होता है इनफ्लेमेशन हो जाती है तो वेजोएक्टिव इम्यूनस की वजह से होती है या एनाफेलेक्टिक शॉक में जब रिलीज होगा तो यही रिलीज होगा ठीक है ये डिफरेंट इसके पास कॉजेज हैं देन एंटीरियोलर डायलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परम्यूबिलिटी इंडोथीलियल इंटरनल इंडोथी गैप्स इसकी वजह से क्या होता है इचिंग होती है पेन होती है और हिस्टामिनेज जो है ड्रग जो हिस्टामिन को ब्लॉक करता हो इससे वो ये ठीक हो जाती है ठीक है हिस्टामिन के रिलीज में आपने हिस्टामिनेज को इनएक्टिवेट करना पड़ता है तो फिर ये ठीक हो जाती हैं देन वेजो अमीन्स में आ जाता है सिरोटिन सिरोटेनिन क्या होता है फाइव हाइड्रोक्सीडमीन होता है ये भी वेजो एक्टिव मीडिएटर है लेकिन ये लेस पोटेंट है देन हिस्टामीन से ये रिलीज होता है प्लेटलेट से और ये बनता कब है जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती जब प्लेटलेट एक दूसरे के साथ देन है एसिड मेटाबोलाइट इसको हम इकोसनॉइड भी कहते हैं ठीक है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस आ जाते हैं लाइक इन्फ्लेमेशन एंड आ जाते हैं ये शॉर्ट रेंज हार्मोन्स होते हैं जो कि लोकली एक्ट करते हैं और लोकली डिके होते हैं और लोकली ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये लिक्वोसाइड से डिराइव होता है मास सेल से इंडोथीलियल सेल और प्लेटलेट से और ये हम लेते कहाँ से डाइट्री लिनोलिक एसिड लिनोलिक एसिड जो हम खाते हैं उससे रिकनोनिक एसिड हमारा बनता है अगर हम लिनोलिक एसिड नहीं खाएंगे फैट्स नहीं खाएंगे तो हमारा रिकनोनिक एसिड नहीं बनेगा तो इन्फ्लेमेशन में ये नहीं आएगा तो फिर इसका कोई रोल ही नहीं होगा हमारे इन्फ्लेन में हमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो हमें वो अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होती तो बीस हो जाती है इनफ्लेमेशन so, हमारे लिए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमें इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए देन ये क्या है जो इलेक्डोनिक एसिड है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है हमारी, हमारी सेल मेम्ब्रेन में, में फॉस्फोलिपिड होता है और फॉस्फोलिपिड एसिड जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर ही एरेक्टेडॉनिक एसिड होता है ठीक है मेटाबॉलिज्म होती है इसकी दो एंजाइमेटिक पाथवे के थ्रू एक है साइक्लो ऑक्सीजिनेस जिसमें और थ्रोबोक्स आ जाता है और दूसरा है लिपॉक्सीजिनेस जिसमें लिकोट्राइन एंड लिपॉक्स आ जाते हैं

या सेकेंडरी या फिर स्पेसिफिक जो प्राइमरी होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं ठीक kate, है ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाते हैं और जो आपके पास मोनोसाइट्स के ग्रेन्यूल होते हैं वो होते हैं एसिड प्रोटीजिस इलास्टेसिस एंड प्लास्म के होते हैं ठीक है

वेस्कुलर प्रमिबिलिटी को ज़्यादा करती है ठीक है और ये इतनी ज़्यादा पोटेंट है देन थाउजेंड टाइम्स मोर पोटेंट है देन हिस्टामिन से ये इन्हेंस करती है लिकोसाइड की एडिजन को कीमोटेक्जिस को लिकोसाइडी ग्रेनुलेशन को और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट को ये स्टिमुलेट करती है सेंसिस ऑफ अदर मीडिएटर्स लाइक इकोसनाइड्स

टी एन एफ अल्फा ठीक है टी एन एफ एल्फा जो है वो क्या करता है आपके पास इंडोथीलियल इफेक्ट क्या शो करेगा जब एक्टिवेशन होगी माइक्रोफेज़ की फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बने इम्यून कम्पलेक्सेज बनी और ये क्या करती है एक्टिवेशन एक्टिवेशन करेगी माइक्रोफेज़ की जिसकी वजह से टी एन एफ अल्फ़ा की एक्टिवेशन हो जाएगी ये क्या करेगी इंडोथीलियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से लिकोसाइड ज़्यादा हो जाएगा पी जी वन ज़्यादा हो जाएगा आई एल वन एट सिक्स सब ज़्यादा हो जाएंगे इफेक्ट ये होगा कि आपको फ़ीवर होगा ज्यादा नींद आएगी भूख कम लगेगी एक्यूट फेस बनेंगे ठीक है आप शॉक में भी जा सकते हैं फिब्रो इफेक्ट क्या होते हैं प्रोलिफ्रेशन ज्यादा होगी होगी बनेंगे और लीकोसाइड इफेक्ट क्यों होंगे इंक्रीज साइटोकाइन की सिक्रीशन होगी ठीक है ये सारे के सारे आपके पास इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कीमोकाइंस कीमोकाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्ट प्राइमरली एज कीमो एफ्रैक्टेंट फॉर डिफरेंट सबसेट ऑफ सबसे एस्ट्रोएक्टिवेट लिकोसाइड्स कीमोकाइंस आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स आउट ऑफ व्हिच टू आर मेजर ग्रुप सीएक्सी कीमोकाइंस आईएल8 एंड सीसी कीमोकाइंस एमसीपी1 रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आरओएस कहते हैं जिसको सिंथेसाइज बाय एनएडीपीएच ऑक्सीडेस फ्रॉम न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस बाय माइक्रोब्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस साइटोकाइंस एंड लो लेवल पे इंक्रीज करता है कीमोकाइन को कीमोकाइन को साइटोकाइन को एंड एडिशन मॉलिक्यूल्स को एम्प्लीफाई करता है कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को

स पी ठीक है ये सारे के सारे होता है प्रोमिनेंट होता है लंग्स में और जी आई टी में गैस्ट्रो इंटर ट्रैक प्लाज्मा प्रोटीन डिराइवीडिएटर्स ये क्या करते हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं जो तीन इंटरिलेटेड सिस्टम से चलते हैं एक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक है काइनिन एक है क्लॉटिंग एंड फिब्रोनोलिटिक सिस्टम से इनएक्टिव करते हैं प्रिकर्सर्स को ठीक है

देन है क्लॉटिंग सिस्टम फैक्टर ट्वेल्व ए डिराइव एन प्रोटोलिटिक कैसकेट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ थ्रॉम्बिन फंक्शन इसका क्या है ये क्लीव करता है सर्कुलेटिंग सोलबल फिब्रिनोजन टू जनरेट इन सोलबल फिब्रिन क्लॉट को एंड द फिब्रीनो पेप्टाइड्स को इंक्रीज वेस्कुलर पर्मिबिलिटी एंड कीमो टेक्टिक फॉर लिकोसाइड्स को दैन फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है फिब्रिनो सिस्टम सिस्टम जो होता है वो होता है हेगमेंट फैक्टर इंड्यूस क्लॉटिंग सिस्टम एंड फिब्रिनोलिटिक सिस्टम कन

और इसके कुछ स्टेजेस होते हैं लाइक पहले ये वेजो करता है फिर ये वेस्कुलर पर्मिबिलिटी को ज़्यादा करता है एंड थर्ड वन ये पेन कॉज करता है देन आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आ जाता है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेशन करता है बायोलॉजिकली एक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स को और इसके तीन स्टेप्स होते हैं एक होता है क्लासिकल पाथवे जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्पलेक्सेज बनते हैं एक होता है अल्टरनेटिव पाथवे जो कि ट्रिगर करता है बैक्टीरियल पोलिसक्राइड्स को माइक्रोबियल सेल वॉल कंपोनेंट्स को और एक होता है लेक्टिन पाथवे लेक्टिन पाथवे में ये होता है कि प्लाज्मा लेक्टिन बाइंड करता है मेनोज के साथ रेजिड्यूज और माइक्रोब एक्टिवेट अर्ली कम्पोनेंट ऑफ तो द क्लासिकल पाथवे